हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिर से लाई है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर के जो 10 मार्च यानी कल एग्ज़ाम आयोजित कराए गए हैं, उससे संबंधित आंसर की आज लिंक प्रोवाइड कर दी गई है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है और आंसर की कल तक अपलोड हो जाएगी। 48 घंटा दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आ गया है तो क्वेश्चन पेपर हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे और फुल एनालिसिस के साथ भी दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड करेक्ट न्यूज। वीडियो अंत तक जरूर देखें, या क्वेश्चन पेपर सही लगे सच लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए थे इतने प्रैक्टिस सेट पे हुए थे, डीए प्रैक्टिस सेट, डीबी, डीसी, डीडी, ये सारे प्रैक्टिस सेट हैं आपके। जब आप सभी लोग सरकारी रिजल्ट पे लॉग इन करेंगे तब यहाँ पर नीचे आप आंसर की और लिंक पे देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर आंसर की। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे शो हो रहा है कि एग्ज़ाम डेट 10 मार्च 2019 और आंसर की अवेलेबल 10 तारीख से 19 मार्च तक, 10 से 19 मार्च तक आंसर की आपको डाउनलोड आपके द्वारा की जा सकती है। इसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10 से 19 के बीच में आप सभी लोग अपने आंसर की और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। टोटल 352 पोस्ट थी, उस पर एग्ज़ाम हुआ था। OBC की 90, जनरल 210, SC 46 और ST की 6 जगह थी। अब डाउनलोड आंसर की भी हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो यहाँ पे अभी आंसर की आज नहीं अपलोड हो रही है, केवल क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। आंसर की शाम तक या कल रात तक आ जाएगी, तो उसको भी हम आप सभी लोग कल शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं DA बुकलेट है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो था 40 नंबर का था, पूरा 60 मिनट का टाइम था 1 घंटे का। अब यहाँ पे पहला जो पोर्शन है हिंदी का, इसमें जो ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया है देख लीजिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, करेक्ट आंसर जलाना होगा। अगला है गद्यांश प्रयुक्त देह का क्या अर्थ है, यहाँ पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो गद्यांश के अकॉर्डिंग कुछ जो आंसर होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए लक्ष्य, कि लोगों को लक्ष्य रहता है ईर्ष्या करना। अगला है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की जाती है, स्तुति की गई, उपासना की गई, प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई है। यहाँ पर उनकी देखा जाए तो की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। अगला है अपव्यय का क्या अर्थ है, होता है तो अपव्यय अर्थ होता है, तो यहाँ पे अपव्यय का जो अर्थ होगा वो होगा फिजूल खर्च। अगला है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ईर्ष्या। अगला है अधिकार में उपसर्ग है तो अधि, धार्मिक प्रत्यय है तो इक, आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण, जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा, कथा का बहुवचन क्या होगा, कथाएं, और निम्न में कौन, यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर की लिंक हमने इस वीडियो के लास्ट में दे रखी है, देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, तो मानव पढ़ता है ये वर्तमान काल का है। अगला है निम्न पहनवारे चिन्ह कौन है, तो सभी लोग जानते हैं पहनवारे चिन्ह ये है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, रास्ता देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यही होता है झगड़े के लिए कोई एक पर जिम्मेदार नहीं होता। यहाँ पे इन हाथ से ताली बजानी चाहिए, झगड़े के लिए एक पर जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पर जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। और अगला है
दंत वर्ण कौन सा है? और निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण कौन सा है? और महेंद्र का संदर्भ महाधन इंद्र होगा। राज दरबार में कौन समाज है? राजा का दरबार होना चाहिए यानी कि तत्पुरुष समास। यथासंभव में कौन सा संभव है? तो इसमें होगा यथासंभव यानी कि जैसी यथासंभव। तो यथासंभव में जो होगा वो होगा अव्ययभी समास। निम्न में कौन शब्द विदेशी है? मील होगा विदेशी शब्द। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों बता दें अनुनासिक, तो अनुनासिक इसमें माँ होगा। और दंत की बात करें, दंत है इसमें सा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा है। परिमाणवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन इसमें परिमाणवाचक शब्द सर्वनाम है। अगला है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो कुछ इसमें संख्यावाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलील जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द इसमें अगर देखा जाए तो यह है ज्योत्सना। शुद्ध में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध इसमें है पूज्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है इसमें भाषा है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, तो मुझे घर जाना है, ये वाक्य शुद्ध होगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है, तो इसमें ब्रज भाषा केंद्रीय क्षेत्र जो होगा होगा मथुरा। अगला है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे ऊपरी परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, इसमें अधोलेख भवदीय आवश्यकता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसमें अधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। परिपत्र जो होते हैं इसमें भवदीय जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों में से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के स्तर में ऐसा पत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो ये जो है इसमें कथन गलत है। यह पुरुष जो अर्थशासकीय पत्र जो होते हैं ये उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो बात रही घोष की, तो घोष इसमें है गा। संघार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस हार, सम प्लस हार होगा संघार। कौन सा तत्सम है? तो चक्र इसमें तत्सम है। कौन सा तद्भव है? तो जीव इसमें तद्भव है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो दिलाना इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अली अली, तो अली में भौरा होता है, अली में सखी, तो यानी होगा भौरा और सखी, तीन नंबर आपका सही होगा। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य उन्हें, मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। अगला है, अब इसमें जो है रीजनिंग के हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सही होगा ए। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में पेंशन को सही रूप से प्रस्तावित करेगा। तो इसमें दो का स्क्वायर है, फिर चार का स्क्वायर है, फिर छः का स्क्वायर है, फिर आगे आठ का स्क्वायर होगा, यानी 64। इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 64 सही होगा इसमें। अगला है, आकृति वाला है, ये देख लीजिए। और जो कुछ क्वेश्चन छूटे हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएँगे। अगला है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले से। तो केन्या नैरोबी, तो केन्या जो है देश है, तो नॉर्वे जो होगा, तो इसमें जो केन्या की राजधानी हो नैरोबी, तो नॉर्वे की राजधानी होगी ओस्लो। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा
ओस्लो, नार्वे की राजधानी ओस्लो। अब इसमें कथन दिया गया है, कहा गया सभी कुत्ते शेर हैं। कहा कि सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर बिल्ली हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा तो इसमें ये होगा, दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, दोनों सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निष्कर्ष में भी दिया गया है सेनाकर्मी बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। तो इसमें आप समझ लीजिए, तो पहले कहा गया सेना कर्मी जो बहादुर होते हैं, ठीक है, सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, तो देवेश एक सैनिक है, तो देवेश क्या मिलेगा, देवेश रत्न प्राप्त करेगा, सही है कि नहीं है, तो ये संभवतः सत्य है, संभवतः नहीं सॉरी, इसमें जो है पूरा करेक्ट आंसर यही है कि सत्य है कथन के अनुसार। अगला, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहन करना चाहिए, तो हाँ इस सरकार का राजस्व बढ़ेगा, नहीं इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, तो हाँ ये दो नंबर ऑप्शन सही है। इसमें देखना है एनोलॉजी का है, कोडिंग डिकोडिंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा करेक्ट आंसर होगा पीएम यानी ए। अगला है, इसमें प्रतिस्थापित करेगा तो दिखा रहा है क्या होगा, तो 15, 27, 45 दिया गया है, इसमें करेक्ट आंसर होगा 69। अगला है, ये बाग 16 है, देख लीजिए इसमें कहा छः, कह रहा कौन संख्या वाला फलक छः दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा, तो छः के विपरीत पूछ रहा है, छः के विपरीत जो फलक होगा वो होगा 3। इसमें बताना कौन सा मेन आरेख सही है, माताएं, महिलाएं, डॉक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि माताएं महिलाएं हो सकती हैं, महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। अगला है, लीडर को एक NGCFT कहा गया, तो डीलर को क्या कहा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कथन दिया गया, बताना है राम कितने बच्चे हैं, कहा गया सहार रीना की एकमात्र पुत्री है, सहार जो है रीना की एकमात्र पुत्री है जो कि राम की पत्नी है, सहार। तो इसमें कथन एक और दो नो मिलकर पर्याप्त होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वह गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सोचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वह गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें निर्णय लेना है, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्विलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें जो होगा, पहल कथन एक ज़्यादा ठीक लग रहा है, सरकार को एक कार्यक्रम जरूर के लिए चलाना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, सुंदरबेन शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में लिखे आते हैं जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में आते हैं, यानी कि स्टेप वाइज ए से जेड तक जैसे आते हैं, तो कितने वर्ड हैं जो लाइन वाइज हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल का, यदि ए को प्लस बी को माइनस सी को भाग से, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 30। अगला है, अब जीके का क्वेश्चन है, इसमें वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रह से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या कहलाती है।
अगला है, निम्न में कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? अगला, 1805 में राजा राम मनोहर द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजपूत। दुनिया का सबसे बड़ा छार, छार नहीं इसमें होना चाहिए, छार सॉरी, छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा खुर्जा। अगला है, किस श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को 2018 के अक्टूबर में पद से हटाया गया है? तो इसमें होगा तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रानिल विक्रम सिंघे। अगला है, 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72। मेरियाना खाई किस के लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना ग्रह जो है सबसे अधिक गहरी बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत में के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री परिषद हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 15%, यानी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो भारत में पहली बार नोटबंदी जो है 1978 में हुई थी। अगला, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार है? तो ये देखना पड़ेगा। नवंबर 2018 में अमेरिका के किस राज्य में जंगल की आग बड़ी विनाश और मानव जीवन के हानिकारक बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलिफोर्निया। अगला, प्रसिद्ध कार्टून पात्र मिकी माउस ने सन 2018 में अपनी 90वीं सालगिरह मनाई, मिकी माउस का निर्माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज। मोटो जीपी, अगला है, मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव कहा गया था। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे।